सो दोस्तों आइए अब डिस्कस कर लेते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा देखिए टॉपिक है यूपीपीसीएस का जो पेपर हुआ था उसकी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, और आज हमने करंट अफेयर्स को चुना है। इसके बाद आगे आने वाले वीडियोस में आगे भी आके के टॉपिक जैसे ज्योग्राफी और पॉलिटी वगैरह भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज करंट अफेयर्स का डिसेक्शन करेंगे दोस्तों, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, और इसमें देखेंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे और किस करंट अफेयर्स के किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए थे। और ये आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है उन एस्पायरेंट के लिए जो अगले साल तैयारी करने वाले हों, क्योंकि इससे आपको एक ट्रेंड पता चलेगा। और इस बार काफ़ी बात हो रही है कि यूपीपीसीएस ने ट्रेंड चेंज किया है, तो आइए देखते हैं कि वो जो ट्रेंड चेंज हुआ है वो ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है, आखिर क्या चेंजेस किए हैं यूपीपीएससी ने। और कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपीएससी के क्लोज जाने की कोशिश की है, तो आइए इन सब चीज़ों की एनालिसिस करते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन उठाए गए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो ये सबसे पहले देखिए डिस्कस करेंगे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इससे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहा। पहला क्वेश्चन जो था वो था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, और ये पूछ रहे थे कि इंडिया को चूंकि इसमें मेंबरशिप मिली है तो पूछ रहे थे कि ये समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी, तो इसका आंसर था अस्ताना। दूसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड, और इसका आंसर था लीजर दोस्तों। और तीसरा जो क्वेश्चन है उसका यूनेस्को से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन था, और इसका आंसर था कोपेनहेगन। ये पूछ रहे हैं कि जो सोशल डेवलपमेंट के अंडर जो इसकी वो हुई थी समिट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी यूनेस्को से रिलेटेड, तो वो इसका आंसर था कोपेनहेगन। चौथा क्वेश्चन है देखिए यूएनओ से रिलेटेड है, और एब्सोल्यूट पावर्टी पूछ रहे हैं कि ये डेफिनेशन कब अडॉप्ट की गई थी, तो ये 1995 में अडॉप्ट की गई थी। तो ये हमने देखा ये 4 क्वेश्चन ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। देखिए इसमें क्वेश्चन जो है वो है द होस्ट कंट्री ऑफ द ब्रिक्स समिट, तो ब्रिक्स समिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या था चाइना। छठा क्वेश्चन जो है वो G20 से रिलेटेड है, और इसका आंसर क्या है फर्स्ट एंड थ्री, यानी कि 12th समिट जो हुई वो जर्मनी में और 14th समिट वो होने जा रही है जापान में। सेवेंथ क्वेश्चन जो है ये पूछ रहे हैं ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन इसे इंटरनेशनल इशूज़ में काउंट कर सकते हैं आप, जो पहले इसराइल और पैलेस्टीन के बीच एक सीज़फायर को लेकर जो टॉक हुई थी वो कहाँ हुई थी ये पूछ रहे हैं, और ये हुई थी पेरिस में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, ये पूछ रहे हैं किसका इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन का। तो दोस्तों ये थे 4 क्वेश्चन पहली स्लाइड के और 4 ये टोटल मिला के 8 क्वेश्चन, ये सारे आपने देखा कि सारे क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड थे। सो हमें एक आइडिया लगता है कि इस बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक था या उस पर ज़्यादा ही मेहरबान थी इस बार। आइए देखते हैं अगला हमारा पार्ट कौन सा है, तो अगला देखिए स्कीम्स है, स्कीम से रिलेटेड भी इस बार काफ़ी क्वेश्चन आए थे। पहली स्कीम देखिए ICDS है, इसमें इन्होंने पूछा था कि इसका एम क्या है टारगेट क्या है, तो इसका एम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री बुक्स एंड स्कूल ड्रेस टू द चिल्ड्रेन। अगला क्वेश्चन जो था देखिए इसमें कई सारी स्कीम दी गई थी, पहली स्कीम उदय हृदय अमृत, और इनका क्वेश्चन ये था ये पूछ रहे हैं कौन सी करेक्टली मैच्ड है। ये दोस्तों उदय और हृदय अमृत तीनों करेक्टली मैच्ड हैं, उदय जो हो इसीलिए लॉन्च हुई थी क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं उनके फाइनेंस के इम्प्रूवमेंट के लिए, और हृदय जो है प्रिजर्विंग हेरिटेज के लिए, और बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अमृत, जो इसका गलत आंसर था वो था स्वच्छ भारत मिशन सेफ ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड नहीं था। सो ये दोस्तों स्कीम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हुए। आइए आगे देखते हैं, आगे देखिए फिर स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन एक ही है, कई सारी स्कीमें मेंशन की गई हैं, क्रोनोलॉजिकल आर्डर पूछा गया है, और तो देखिए यूपीएससी और यूपीपीएससी में यही फ़र्क है कि ये डेट पूछते हैं कि किस दिन ये लॉन्च हुई थी या किस दिन लागू हुई थी, जबकि यूपीएससी उसके एम टारगेट वगैरह बेनिफिशियरी इस टाइप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। सो ये दोस्तों इसका आंसर देखिए सिक्वेंस में अगर लगाएंगे आप तो 1, 2, 4, 3 आएगा, मैंने डेट भी मेंशन कर दी है आगे, सो आप इसको देख सकते हैं कि किस डेट में कौन सी स्कीम लॉन्च हुई थी। अगली देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम स्वदेश दर्शन स्कीम, और दोस्तों ये स्वदेश दर्शन स्कीम जो है इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सी जो सर्किट है स्वदेश दर्शन स्कीम में शामिल नहीं है, सो इसका आंसर था सूफी सर्किट। स्वदेश दर्शन स्कीम में सूफी सर्किट नाम की कोई सर्किट नहीं है, इसके ऑप्शन शायद बुद्धिस्ट सर्किट रामायण सर्किट और इस टाइप से थे, तो इसमें इसका आंसर था सूफी सर्किट। एक चीज़ और आप लोगों को बताते चलूँ दोस्तों, स्वदेश दर्शन स्कीम ये हमारी एक सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट स्कीम की, उसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है, हमने सिर्फ
पांच या छह स्कीम डिस्कस की थी, और उसमें से एक ये भी स्कीम थी। देखिए कब कितनी इंपॉर्टेंट साबित हुई ये स्कीम, इसमें पूछ दी गई। और ऊपर का भी एक जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी हमने दोस्तों डिस्कस किया था। सो हमारी स्कीम के सिर्फ पांच या छह स्कीमें थी, उसमें से दो तीन स्कीमें इस बार क्वेश्चन उसमें पीसीएस में आ गई थी। और देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंबा एक स्कीम जो है वो पूछ रहे हैं किस स्टेट में ने लॉन्च की है, तो वो कर्नाटका ने लॉन्च की थी। तो ये स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अगला जो हमारा पार्ट है वो है हेल्थ सोशल और रिपोर्ट, इसमें रैंकिंग वगैरह से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो देख लेते हैं। तो देखिए रैंकिंग से रिलेटेड पहला क्वेश्चन था, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो इकोनॉमिकली तो टॉप पे है बट उसका जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी कम है। तो इसका आंसर था महाराष्ट्र। और 15वां क्वेश्चन जो है ये देखिए हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अभी जो आया था उसमें पूछ रहे थे कि कितने परसेंट जो हैं अर्बन एरिया के लोग, वो 70% लोग जो हैं वो क्या करते हैं, जो वो अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया है वो अर्बन एरिया के जो लोग हैं वो करते हैं। सो दोस्तों ये तो थे दो क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन जो है, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज मेंबर ऑफ सरकारी, देखिए सरकारिया कमीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, और ये पूछा है कि इसके मेंबर कौन था। तो इसमें चार ऑप्शन थे, उसमें से सही आंसर क्या था, डॉक्टर SR सेन। सो दोस्तों ये पहला 15वां क्वेश्चन मैं एक बार फिर से आप लोगों को कंफर्म कर दूं, ये इनका पूछने का मकसद था कि प्राइवेट मेडिकल जो सेक्टर है वो प्राइमरी सोर्स किसका है, मतलब प्राइवेट सेक्टर मेडिकल सेक्टर में कौन से लोग हैं जो इलाज के लिए जाते हैं और वो कितने परसेंट है। तो 70% अर्बन एरिया के लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में इलाज कराते हैं अपना। सो ये हमारे ये पोर्शन भी कंप्लीट हुआ। अगला पोर्शन जो हमारा है वो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स से तीन क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन जो था वो था आपका, एक मिनट दोस्तों, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पहला क्वेश्चन हमारा था ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज से रिलेटेड, इसका आंसर था के श्रीकांत। अगला क्वेश्चन जो था मिथाली राज से रिलेटेड, और इसका आंसर था 1, 2 एंड 3, यानी कि जो चौथा ऑप्शन है शी होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज, ये आंसर सिर्फ गलत था, इसका बाकी तीनों आंसर सही थे। अगला क्वेश्चन जो है वो फीफा से रिलेटेड था, पूछ रहे हैं 2017 का फीफा कहाँ होगा, वो जर्मनी में। दोस्तों यूपी बेस्ड जीके हर साल आते हैं, यूपी से रिलेटेड कुछ ना कुछ जीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें था ये पूछ रहे हैं कि डर्टीएस्ट, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक लिस्ट जारी की थी, उसमें सबसे डर्टीएस्ट जो सिटी थी वो थी गोंडा की, यूपी की गोंडा डिस्ट्रिक्ट। और अगला क्वेश्चन है जापानीज इंसेफ्लाइटिस से रिलेटेड, ये रिसर्च सेंटर स्टेबलाइज किया जाना है, ये पूछ रहे हैं कहाँ पे, तो ये उत्तर प्रदेश इसका आंसर है, और उत्तर प्रदेश के भी ये गोरखपुर में भी किया जाना है। दोस्तों जैसा आप सब जानते होंगे जापानीज इंसेफ्लाइटिस से काफ़ी बच्चों की अभी मौत हो गई थी गोरखपुर में, सो उसके बाद ही सेंटर ने ये हेल्प अपनी तरफ से मदद के लिए ये ऐलान किया था। और 22वां क्वेश्चन जो है ये देखिए कुछ लिस्ट दी गई हैं, और उसमें से उस सिटी की स्पेशलिटी के बारे में पूछा गया है। सो ब्रास का काम जो होता है वो मुरादाबाद में, मैच बॉक्स का काम बरेली में, स्पोर्ट्स गुड्स जो हैं वो मेरठ में, और वुड कार्विंग का काम सहारनपुर में होता है। सो ये क्वेश्चंस यूपी से ही रिलेटेड थे। और ये देखिए एक और क्वेश्चन जो है ये पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने अभी 2017 में एक मिनिमम वेज फॉर अनस्किल्ड लेबर के लिए ऐलान किया था इसका, तो वो 7,400 रुपये हैं, यानी 7,400 पर मंथ, ये अनस्किल्ड जो लेबर हैं उनको मिनिमम वेजेस ये तय किया है यूपी। तो ये यूपी बेस्ड जीके थी। आइए देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट से रिलेटेड भी इस बार क्वेश्चन शामिल थे। इकोनॉमिक सर्वे पहला क्वेश्चन बजट से रिलेटेड था, इन्होंने पूछा था 2017-2018 के जो बजट आया था उसकी मेन 10 जो थीम थी उसमें कौन सी थीम शामिल थी। तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो है ये शामिल उसमें नहीं थी। दोस्तों ये ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन सी शामिल नहीं थी पूछा है, तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस उसमें शामिल नहीं थी। और अगला क्वेश्चन जो है देखिए इकोनॉमिक सर्वे 2015 का काफ़ी हार्ड टॉपिक रहा है, चक्रव्यूह चैलेंज, आप देखेंगे एक चैप्टर ही पूरा इस पर था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, और इसका आंसर था मूवमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द सोशलिज्म विथ लिमिटेड एंट्री टू मार्केटिज्म विदाउट एग्जिट। सो ये दोस्तों ये क्वेश्चन, फिर आगे देखिए रिपोर्ट और इंडिसेस से भी दो क्वेश्चन आए थे।
और इसका देखिए क्वेश्चन था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इन्होंने पूछी थी, जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो रिलीज़ करता है 2017 की, उसमें पूछ रहे हैं कि कौन सी मतलब फर्स्ट रैंक किसकी थी। क्वेश्चन यही था मतलब कि सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है, तो इस लिस्ट में मतलब फर्स्ट रैंक किसकी थी, तो नॉर्वे इसका आंसर होगा। और इंडियाज़ रैंक इन 2017 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इंडिया की रैंक इन्होंने पूछ रखी है, तो इसका आंसर होगा 116 यानी 116। अवार्ड्स से भी रिलेटेड दो क्वेश्चन आए थे, वैसे यूपी में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सरस्वती सम्मान 2016 का ये महाबलेश्वर सेल को दिया गया था, और दूसरा है ये देखिए डैन डेविड प्राइज इन फ्यूचर कैटेगरी 2017, और ये दिया गया था श्रीनिवास कुलकर्णी को। तो ये देखा हमने अवार्ड से रिलेटेड, आगे जीके, और इसमें कुछ फेमस डेज जैसे पूछ पूछ लिया जाता है, पॉपुलेशन डेज, अर्थ डेज, तो उसमें डेज वाले में आपका एक क्वेश्चन था, इसमें पूछ रहा था कि कौन सा मैच नहीं है, तो आपका जो टोबैको डे है वो मैच नहीं है, वो बाकी सारे सही है। एनवायरनमेंट 5 जून को सही है, अर्थ डे 22 अप्रैल ये भी करेक्ट है, और 26 सितंबर ओजोन डे, तो इसका आंसर क्या था, सी यानी कि टोबैको डे। और भोपाल गैस ट्रेजडी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये जीके का ही क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसे, तो इसका आंसर था मेथिल आइसोसाइनाइड जो हुई थी इस ट्रेजडी में रिलीज हुई थी। मिसलेनियस क्वेश्चन जो थे उसको भी देख लेते हैं कौन कौन सारे से, तो उसमें ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, इसको स्कीम में भी आप शामिल कर सकते हैं, तो ऊर्जा गंगा से रिलेटेड जो क्वेश्चन था इसका आंसर होगा, इट इज़ अ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट और इट वॉज लॉन्च इन अक्टूबर 2016। ये दो आंसर इसके सही थे, एक और इसमें ऑप्शन और थे वो तीसरा वो गलत था। और अगला क्वेश्चन है धौला सादिया ब्रिज जो है, जिसे भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहते हैं, अभी इसका इनाग्रेशन हुआ था, पीएम मोदी ने किया था, इसकी लंबाई इन्होंने पूछ रखी है, इसका आंसर है 9.15 किलोमीटर। और अगला जो क्वेश्चन है व्हाट वाज बीन द थीम ऑफ 2017 जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, उसके थीम पूछ रहे हैं, तो इसकी थीम थी फैमिली प्लानिंग एम्पावरिंग पीपल डेवलपिंग नेशन। तो ये हमने क्वेश्चन मिसलेनियस वाले देख रहे हैं अभी, और ये पूछ रहे हैं अगला क्वेश्चन जो है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने अभी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट की थी, उसको हेड किसने किया था, तो के कस्तूरी रंजन ने उसको हेड किया था। मिसलेनियस में आगे बढ़ते हैं, चार क्वेश्चन वो थे और ये पांच क्वेश्चन यानी 9 क्वेश्चन मिसलेनियस के हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे इस क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहे हैं कि इंडिया और यूएसए की जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2000 में हुई थी उसमें तीसरी कंट्री कौन थी, तो वो जापान उसमें शामिल था। इंडियाज़ रैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 116। उसके अलावा फर्स्ट डेमो ट्रेन, तो ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इन्होंने ये पूछ रखा था कि ये ट्रेन जो है लॉन्च कहाँ पे हुई थी, इसके जो सोलर पावर्ड कोचेज वाज लॉन्च्ड पूछ रहा है, इसका आंसर सफदर जंग है। और अगर ये पूछता कि ये कहाँ से चलाई गई थी तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता, वो सराय रोहिल्ला से चलाई गई थी फ़ारूकनगर के लिए। और 39 जो क्वेश्चन है ये इंडियाज़ बिगेस्ट ग्लोबल स्किल पार्क, ये भोपाल में फाउंडेशन इसका हुआ है। और देखिए ट्रेन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन तेजस से रिलेटेड, ये पूछ रहे हैं ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक, ये तो मुंबई से करमाली के बीच ये ट्रेन चलाई जाएगी और इंडिया की सबसे पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। सो ट्रेन से रिलेटेड दो क्वेश्चन इसमें शामिल है, एक ये था देखिए सफदरजंग पे, और ये फर्स्ट डेमो ये पहला क्वेश्चन, दूसरा ये तेजस वाला। सो दोस्तों ये तो रहे हमारे सारे क्वेश्चन, सो हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। दोस्तों एक दो और क्वेश्चन है वैसे, 42 हमने पिछली वीडियो में बताए थे करंट अफेयर से रिलेटेड, लेकिन कुछ क्वेश्चन को आप एनवायरनमेंट में चाहे हाँ एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन थे उसको इसमें शामिल नहीं किए हैं और बिल्कुल करेंट ही रखने की कोशिश की है। तो हमने इस वीडियो से कंक्लूजन क्या निकाला, देखिए सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहा वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रहा, इससे 8 क्वेश्चन, उसके बाद 5 क्वेश्चन पूछे गए स्कीम्स से, और स्कीम्स से 5 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन स्कीमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने दे रखी थी और मैच और क्रोनोलॉजिकल आर्डर पूछा गया था, तो इसकी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कीमों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्कीमें बहुत ज़्यादा पता होंगी तभी आप एक क्वेश्चन सही कर पाएंगे। यूपी बेस्ड क्वेश्चन हर साल आते हैं, इस बार 4 क्वेश्चन आए थे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, और रिपोर्ट एंड इंडिसेस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, अवार्ड से 2 क्वेश्चन, हेल्थ सोशल रैंकिंग इन सब से रिलेटेड 3 क्वेश्चन, जीके जो होता है उससे जनरल नॉलेज, ये जनरल अवेयरनेस, ये नॉर्मल क्वेश्चन जो आते रहते हैं ये 2 क्वेश्चन, और मिसलेनियस में हमने काफ़ी चीज़ें शामिल की थी उससे 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये रहा, मकसद ये था दोस्तों
आपको बताने का कि क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए, कैसे पूछे गए, ताकि ये आप लोग ध्यान रखें कि यूपीपीएससी का टारगेट क्या है, क्या चाहती है वो। और अगली बार वैसे भी यूपीएससी के पैटर्न पे वो चेंजेस करने वाले हैं मेंस में, सो लग रहा है कि ये यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं। सो दोस्तों इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों विश यू अगेन, हम आपसे फिर आपको लोगों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।